हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, या फिर आप व्हाट्सएप चलाते हैं या फिर व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हैं, तो ऐसे में कुछ चैट ऐसी होती हैं जो कि आप चाहते हैं कोई भी ना देख पाए हमारे अलावा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप में ही उस चैट को हाइड कर सकते हैं लॉक लगाकर, ठीक है। तो किस तरीके से करते हैं वो चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं व्हाट्सएप बिजनेस को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लॉक चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिला है, इस पर मैं सिंपली क्लिक करूंगा। मैंने एक यहाँ पर पासवर्ड बना रखा है, जैसे कि 1999, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉक चैट का ऑप्शन आ चुका है। अब ये दो चैटें हैं वो मेरी यहाँ पर हाइड हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप भी हाइड करके रख सकते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली से अभी यहाँ पर ऐप इनपो पर जाता हूँ, और यहाँ पर हमें स्टोरेज का ऑप्शन मिल गया है, क्लियर कर देता हूँ मैं, या तो इसे ऐप को पहले डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल नए सिरे से दोबारा से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा सबसे पहले प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। और मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अभी ये हमारे फोन के अंदर डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं इस वीडियो को यहां पर रोक देता हूं। तो अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं जो व्हाट्सएप है वो हमारे यहां पर डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल हो चुका है, और इसी के साथ में यहां पर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसमें रजिस्टर कर लेता हूं, आगे का प्रोसेस मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा। मैंने यहां पर अपने मोबाइल नंबर से यहां पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में अब मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं, जैसे कि अगर आपने यहां पर इंस्टॉल यानी कि डिलीट करके दोबारा अगर आप इसमें यानी कि लॉगिन कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है जो आपका लॉक लगा हुआ था वो यहाँ पर हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर दोबारा सेटअप करना होगा। सेटअप किस तरीके से करना होता है वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम ये लूडो 2, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर क्या करूँगा, इसे लॉक करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, लॉक चैट कंटिन्यू। मैं यहाँ पर अपना फिंगर टच कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आ गया है लॉक यानी कि चैट। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से रहती है, इसी के साथ में ये लॉक चैट है, तो इसे आपको हाइड किस तरीके से करना है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। मैं इस पर सिंपली क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद में अब आपको ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहां पर मिल जाएगा चैट लॉक सेटिंग्स, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। इससे आपको यहां पर एक पासवर्ड सेट करना होता है, तो यहां पर मिल जाता है क्रेडिट सिक्योरिटी, तो मैं यहां पर कर देता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ, कुछ भी बना सकते हैं। देख सकते हैं 888 हो चुका है, यानी कि 1888, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक किया, फिर से हम वही पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में डन कर देंगे। डन करने के बाद में अब जो चैट है वो आपकी यहाँ पर हाइड हो गई है, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहा है यहाँ पर वो दिख रहा था लॉक चैट का ऑप्शन, वो यहाँ पर हट गया है, ठीक है। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि मुझे चैट को हाइड करना है और, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि रोहन मैसी को भी यहां पर चैट को लॉक चैट में डाल देता हूं, ठीक है, ये भी चला गया। तो इस तरीके से आप जितनी भी चाहें यहां पर चैट को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहां पर मुझे देखना होगा तो मैं क्या करूंगा, 1888, ठीक है, डालूंगा, यहां पर आ जाएगा लॉक चैट। तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, और अब यहां से हम चैट वगैरह कुछ भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से। जैसे कि यहां पर हाय हेलो जो भी करना चाहें, तो वो हम बहुत ही आराम से यहीं से ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी चैट को लॉक कर सकते हैं, और आप हाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो ऐसे में हम किसी भी चैट को लॉक करना है या फिर हाइड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।